और इसी बीच बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बरेली में सूदखोरों से परेशान होकर एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से, एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। शिक्षक चंद्रपाल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। शिक्षक चंद्रपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें, कर्ज के लिए परेशान कर रहे थे सूदखोर, जिसकी वजह से परेशान होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें, शिक्षक को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे बरेली से। बरेली के मीरगंज के सजरपुर निवासी थे चंद्रपाल, जिन्होंने सूदखोरों की वजह से आत्महत्या कर ली है। बता दें, कर्ज लिया था इन्होंने, जिसके बाद कर्ज ना चुका पाने की वजह से और सूदखोरों की तरफ से लगातार दबाव बनाए जाने की वजह से परेशान होकर शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शिक्षक ने सूदखोरों की वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। शिक्षक का नाम चंद्रपाल बताया जा रहा है, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें, कर्ज के लिए सूदखोर परेशान कर रहे थे शिक्षक को, जिस दौरान शिक्षक ने परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। तो वहीं परिजनों ने शिक्षक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पीड़ित जो मृतक है, सूदखोरों की वजह से परेशान था और लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर शिक्षक ने आत्महत्या की प्रयास किया और शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली और हरियाणा सरकार के वन विभाग की मदद से दिल्ली एनसीआर को पहला वन जीव कॉरिडोर मिल सकेगा। इसके लिए दोनों विभाग के अधिकारी असोला भाटी सेंचुरी के पास एक व्यस्त सड़क पर कॉरिडोर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे सड़क पार करने वाले तेंदुए और अन्य वन्य जीवों की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकेगा। योजना से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि ये इस तरह का अपने आप में पहला कॉरिडोर होगा, जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षा के लिए बनाया जाएगा। असोला भाटी सेंचुरी अरावली पहाड़ी से जुड़े दक्षिण दिल्ली के रीज इलाके के 32.71 वर्ग किलोमीटर और फरीदाबाद गुरुग्राम के उत्तरी भाग को कवर करता है। इस बीच विभाग द्वारा बताया गया है कि ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो उत्तरी अरावली क्षेत्र का हिस्सा होगा, जो कि राजस्थान के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पार्क से जुड़ा होगा। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। देश में अब कुल 4 वैक्सीन्स को मंजूरी मिल गई है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन पहले से ही लोगों को दी जा रही थी, तो अब स्पुतनिक और मुंबई की औषधि कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना के टीके के आयात के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक ने मंजूरी दे दी है। बता दें, कोविशील्ड कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना का टीका भी भारत में उपलब्ध होने वाला है और कोरोना का चौथा टीका मॉडर्ना अब भारत में जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा। तो वहीं आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मॉडर्ना के भारतीय साझेदार सिप्ला के मार्फत एक आवेदन मिला था, जिसके बाद मॉडर्ना के टीके को औषधि नियामक द्वारा सीमित आपात उपयोग की अनुमति दे दी गई है।